नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और खतरनाक ट्रिक, ठीक है ना, एलसीएम निकालने की फास्टेस्ट ट्रिक दोस्तों, जिसमें आपको कुछ घी यानी कि पेन भी चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार समझाने के लिए मैं आपको जरूर पेन चलाकर दिखाऊंगा, अदरवाइज आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में जान लेते हैं। एलसीएम यानी कि दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या कई लोग इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, यानी कि दोस्तों लेस है। चलिए इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या दोस्तों आप ये जो है ना लिस्ट, इसके स्थान पर लोवेस्ट LOWEST, यानी कि दोस्तों कम से कम, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज दोस्तों जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, माना कि मैंने ले लिया 8 और 6 ले लिया, कहा मुझे क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम लेना। देखिए ट्रिक, देखिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। देखिए इस ट्रिक के अंदर आपको करना क्या, आपको 8 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो आपको करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आप बोलोगे कि कितनी है, 8 है, 8, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, क्या 8 इसका लेस है, नहीं है, ठीक है। 8 की टेबल आप आगे बोलिए, 8 2 16, क्या 16 में 6 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये नहीं है। अब 8 का भाग हमने 3 बार बोला, तो 8 के कितने 24 में दोस्तों 6 का जाता है, इसलिए हमारा एलसीएम यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, 24 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैसे किसी ने आपको 9 और 18 दे दिया, तो देखने की जरूरत नहीं है, बड़ा कौन सा है, 18 है, बड़ा कौन सा है, 18 है, बड़ा कौन सा है, 18, 18 में 9 का भाग जाता है, एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, इसका 18 ही हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे कि मैंने ये ले लिया 3, 6 और 9, ठीक है, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा इनमें कौन सा है, 9 में देखिए दोस्तों 3 का जाता है, लेकिन 6 का नहीं, तो 9 तो नहीं हो सकता, 9 दूनी 18 में देखिए दोस्तों इन सभी का जा रहा है, इसलिए ये 18 ही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितने खतरनाक तरीके, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर ये लिया मैंने 15 और ये ले लिया 20, ठीक है ना। दोनों में से बड़ा कौन सा, 20, ठीक है। 20 की टेबल बोले, 20 में 15 का नहीं जाता, तो ये तो नहीं होगा, 20 40 में भी नहीं जाता, यह भी नहीं, 60 में जाता है दोस्तों, तो 60 हमारा एलसीएम यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये 8 और 12, ठीक है, और 18 का, इन तीनों का मैंने लिया है, ठीक है ना, इन तीनों का हम लेंगे। तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ा कौन सा, 18, 18 को हमने पिक किया और लिखना स्टार्ट किया, 18 में तो नहीं जा रहा, 18 नहीं होगा, 36 नहीं जा रहा, इसका 8 का इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब 18 दिए 54, नहीं जा रहा, नहीं होगा, 18 चौके 72 दोस्तों, सभी का जा रहा है, इसलिए यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, बेहतर हो जाएगा। दोस्तों इस टेबल के लिए आपको क्या जो रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी सीमाएं हैं, ठीक है ना, लिमिट्स हैं, वो जरूर जान लेंगे दोस्तों। जहाँ तक आपको टेबल आती है वहाँ तक ये जो मेथड है, ठीक है ना, ट्रिक है, वो आपके लिए काम करेगी, अदरवाइज ये नहीं काम करेगी। लेकिन दोस्तों छोटी संख्याओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेथड है ये, मैंने देखा है, ठीक है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ, चुटकियों में आपको आंसर मिलेंगे इससे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी ने आपको दे दिया 50, 200 और दोस्तों दे दिया 500, तो अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो हम पिक कर सकते हैं कि कौन से उठाएंगे, हम यहाँ से 500 उठाए, 500 में दोस्तों देखिए 200 का नहीं जा रहा, तो ये 500 नहीं होगा, दो बार पहाड़ा बोला तो 1000, जी हाँ दोस्तों 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल शानदार मेथड है दोस्तों। फिर आपको यह तो आता है मेरे हिसाब से, यदि आपको किसी ने 1500 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दे दिया उसने 3000, यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, तो आपका एलसीएम वो बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। और एचसीएफ की मैं आपको शानदार ट्रिक लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसमें एक ट्रिक और आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। यदि आपको अभाज्य संख्या दी गई हो, एलसीएम यानी अभाज्य संख्या हो, यदि आपको एलसीएम देना हो, जैसे कि दोस्तों अभाज्य संख्या दे दी किसी ने आपको 7 और 5, दोस्तों कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि दोस्तों 35 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम लेने का यह फास्टेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि दोस्तों अभाज्य संख्याओं में कुछ भी वो प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ भी जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है वो नहीं होता है, सिर्फ होता है तो ओनली 1 होता है, और 1 का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन में एक और पिक करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पिक किया है 3 और 7 को, 3 और 7 में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, 21 21, दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर बन चुका है। तो दोस्तों ये सब कुछ था ट्रिक, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बारे में आप हमें जरूर बताएं कि आपको यह ट्रिक, यह वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, आपका कोई सुझाव तो कमेंट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों समय समय पर आपको इसी प्रकार के ट्रिक की वीडियो मिलते रहेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब।